आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। अमरोहा में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता की है, जहां उन्होंने पत्रकारों से सवाल पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव हसीन सपने देखने बंद करें, उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हमेशा लोगों को मना करने का काम किया है, इसलिए लोगों में वह अपना विश्वास खो चुके हैं। ये कब क्या बोल दे, इनका कोई भरोसा नहीं है। जनता में ये पूरी तरह विश्वास खो चुके हैं, इनका जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करती। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की देवतुल्य जनता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमाननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों के मॉडल को, भारतीय जनता पार्टी के विचार को, सिद्धांत को स्वीकार करती है। और यह अब अखिलेश यादव को भी समझ जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को अपना चुकी है और उसी के अनुसार भारतीय। खबर औरैया से, जहां नगर निकाय चुनाव के नज़दीक आते ही भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि देवियापुर नगर पंचायत से निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद पोरवाल ने नगर निकाय चुनाव के नज़दीक आते ही भाजपा छोड़ो बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और भारत भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप और भाजपा में रहने के बावजूद भी जनपद के शीर्ष नेताओं पर उत्पीड़न किए जाने के आरोप लगाया है। शीर्ष नेताओं द्वारा नगर पंचायत के विकास कार्यों में रोड़ा लगाने का भी आरोप लगाया गया। के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मनवादियों के सामने हथियार डाल रखा। लगातार चेयरमैन बनने के बाद मुझे प्रताड़ित किया गया। मैं बाबा साहब के समता मूलक समाज की अवधारणा का पालन करता हूं और मैंने उसका लगातार 5 साल प्रचार किया। मनवादियों की दबाव में ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रिदियापुर नगर पंचायत की सीमा विस्तार के कार्यक्रम को रुकवा दिया, जबकि वह पूरी बदायूं के कादर चौक में आरटीओ पर लोगों से अभद्रता करने का आरोप लगे हैं। लोगों का कहना है कि आरटीओ सुहेल अहमद शहर में धड़ल्ले से ओवरलोड वाहनों को पास कराते हैं, साथ ही उन पर शराब का नशा करके ड्यूटी करने के भी आरोप लगे। लोगों ने जब उनसे सवाल किए तो खुद को घेरता हुआ देख आरटीओ वहाँ से गाड़ी लेकर निकल गए। मैं मीडिया में काम करता हूँ जी। अमृत विचार अखबार है जी, उसमें भी काम कर रहा हूँ जी। एक न्यूज चैनल है न्यूज 24 एक्सप्रेस, उसमें भी काम कर रहा हूँ जी। एक ऑटो वाले से झाड़ हो रहा था आरटीओ महोदय का जी, आरटीओ सोहेल खान है, ए आरटीओ, तो उनसे बातचीत हो रही थी। मैंने पूछा क्या हो गया, तो वो मुझसे बोले तू कौन है, मैंने मैं मीडिया में हूँ। लेकिन तेरे जैसे मीडिया वाले यानी कितने घूमते मेरे आगे पीछे और ने मेरा मैक वगैरह छीन के फेंक दिया। तब वहाँ पुलिस वाले भी आ गए थे, तो दरोगा ने मैच दिलवाया उनसे और अधर्ता की गाड़ी पे चालान करने के लिए जी। मेरा ये ऑटो है, ये मेरा सामने घर है, घर के इधर खड़ा है, वहाँ पे नाला खुद रहा है, तो प्रधान जी ने कहा था आप इधर रखना, जो निकलने में आपको दिक्कत नहीं हो। हमने कहा ठीक है साहब। तो आरटीओ साहब सुबह आए थे और यहाँ पे खड़ा हुआ था, इसका फोटो लिया। हम घर के पीछे काम कर रहे थे, हमारा मकान बन रहा है पीछे, थोड़ा काम चल रहा था किचन वगैरह में, तो हम काम कर रहे थे। तो हमने आके रोड पर आरटीओ साहब से पूछा, हमने साहब आप ये क्या कर रहे हो, तो भाई वो मैं फोटो खींच रहा हूँ, तो मैंने आप ऐसे चालान नहीं कर सकते, ये मेरे घर के सामने खड़ा है, किसी की प्रॉपर्टी, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो कहने लगे तुम कौन होते हो, तो मैंने कहा मैं इस टेम्पू का। खुर्जा में भारी मात्रा में चावल पकड़े जाने पर डीएम सीपी सिंह ने कहा कि सरकारी खदान के राशन को पकड़वाने में जनता भी सहयोग करे, और साथ ही डीएम ने आमजन से राशन में मिलने वाले चावल को ना बेचने की भी अपील की है। बता दें कि खुर्जा और करोड़ों में भारी मात्रा में चावल पकड़ा गया, जिसके चलते जनता ने राशन की कालाबाजारी के खेल पर नकेल कसने के लिए डीएम से अपील की है। कार्रवाई करवा रहा हूं और भारी मात्रा में खाद्यान्न पकड़ा जा रहा है, 3/7 का मुकदमा भी हो रहा है। एक काफ़ी यहां के जो उस कारोबार में संलिप्त थे वो काफ़ी दिनों से जेल में भी हैं,
फिर भी आज भी रात में गाड़ियां पकड़ी गई, वो कौन लोग हैं जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। पूरे पेपर्स की भी जांच हो रही है और जांच के उपरांत उसको विधिक कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अनुरोध करूंगा, देखिए करप्शन करने वाला तो दोषी है ही है, लेकिन करप्शन में सहयोग करने वाले भी लोग दोषी हैं। जो खाद्यान्न का राशन मिल रहा है उसका उपयोग करें। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इमरजेंसी के डॉक्टरों के साथ इलाज कराने आए कुछ युवकों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद घायल डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन सिविल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टरों ने अपने साथी डॉक्टर्स की पिटाई से नाराज होकर इमरजेंसी सेवाएं ठप कर दी। इसके चलते अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराने आए मरीज इलाज के अभाव में तड़पते दिखे, जहां आनन फानन में अस्पताल के CMO ने इमरजेंसी वार्ड की कमान संभाली और मरीजों का इलाज किया। मैं जवां गांव से आया, क्या दिक्कत हो रही अभी? मेरे को पेट में दिक्कत है, भरवाए यहाँ के नहीं रेफर किया था डुगलवारे को, डुगलवारे हॉस्पिटल ने। अब ये कह रहे हैं हम एम्स भेजेंगे, अब कोई आया नहीं, मेरे को पहुँच जाता किडनी में पेट में दिक्कत है, बवासूर भी है मेरे, और मेरे को सांस लेने में दिक्कत है, पेट में दर्द। हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर नहीं मिले, क्या वजह? डॉक्टर मिले थे, एक दो इंजेक्शन लगा दिया, बाद में कुछ ना, हम डेढ़ दो घंटा है। इमरजेंसी सेवा है यहाँ पे, इमरजेंसी में लोग आते हैं, डॉक्टर है नहीं, क्या बोल रहे हैं अभी? अब मैं क्या करूँ बाबू जी, मैं तो अब मेरे पेट में दर्द है, ना लेटरिंग आ रही, ना पेशाब भी, ना हर और पेट में जलन हरी, हड़ताल की बात भी आ रही है डॉक्टरों की। अब मैं कहा करूँ भाई, मर जाऊंगा। और पूछा आपने किसी से? पूछा है मैंने कि कहाँ डॉक्टर, पूछ रहे हैं मैंने कि जी अभी आ रही है, आ रही है, अभी तक तो कोई आया नहीं। दो घंटा है जी मेरे को बस, मेरी माता जी के एकदम अचानक हाथ इटने लगे और दांत बंदी हो गई, आया यहाँ पे कोई है ही नहीं, डॉक्टर सुनवाई नहीं कर रहे हैं कोई भी, कोई भी नहीं, एक घंटा हो गया जब से, कोई कुछ भी कोई देखने तक नहीं आया। क्या बोल रहे हैं? कोई कोई है ही नहीं, बोले हम जानते नहीं, कहीं भी ले जाओ। मैं बोला कहाँ पे ले जाऊँ ये तो बताओ, कोई दवाई दे, कौन देगा, कहीं भी ले जाओ। डॉक्टर साहब हड़ताल पे गए। तो किसने बताया आपको हड़ताल पर है डॉक्टर? ये यहाँ पे मैडम जी, यहाँ पे मैडम जी। नहीं, अभी अभी मुझे पता चला है कि जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर थे उनको एसोसिएशन और दूसरे जो डॉक्टर्स हैं वो ले गए हैं, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, और बिना मुझे इन्फॉर्म किए, बिना मेरी इजाज़त के, जानकारी के। तो अभी जो मेरे संज्ञान में आया है तो मैंने अपने दूसरे डॉक्टर को बोला है कि फटाफट मरीजों को देखें, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूँगी ऐसे नहीं होता है कि हॉस्पिटल के अधिकारी को ही इस बारे से मतलब बेखबर रखा जाए, उसको बताया ना जाए, उससे बातचीत ना की जाए और कैजुअल्टी के डॉक्टर को ले जाया जाए। कभी भी आपने देखा होगा जब भी स्ट्राइक्स हुई हैं, हमेशा इमरजेंसी सर्विसेज प्रॉपरली रन करती हैं, उनको भंग नहीं किया जाता, चाहे इमरजेंसी के अंदर ही ये वारदात क्यों ना हुई है। तो ये मेरे, मैं जो इस बात से बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, सहमत के भाई ये इस तरह से ले लेना चाहिए। और बात रही स्ट्राइक की, इसके बारे में भी मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इस खबर पर हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी और कुछ CMO ने वहां पर उपस्थित होकर लोगों का इलाज किया, इसको लेकर अभी क्या जानकारी है आपके पास? मनीष जी बता दें, कुछ दिन पहले डॉक्टरों के साथ 3 बजे रात को मारपीट की जो घटना है वो अंजाम दिया था, जिसको लेकर फरीदाबाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। पर आज अचानक बात की जाए, जो इमरजेंसी जो डॉक्टर थे, जो इमरजेंसी जिनमें ड्यूटी थी, उन्होंने आज अचानक हड़ताल कर दी, जिसके बाद जो वहां पर जो पहुंचने वाले जो मरीज थे उनके बीच हड़कंप मच गया, हाहाकार बीचने लगी, जिसके बाद मौके पर मीडिया पहुंची। मीडिया ने कवरेज के दौरान जब CMO मैडम से बातचीत की तो मैडम भी तुरंत उत्तर के नीचे आई, जिसको लेकर खुद मैडम ने इमरजेंसी में बैठकर मरीजों को इलाज किया है। पर जब मैडम से बातचीत की तो मैडम ने खुद ही बताया कि इस तरह से इमरजेंसी के डॉक्टर ने हड़ताल की है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी सेवा चलती रहनी चाहिए। इसको लेकर देखो जितने भी हॉस्पिटल है सब में अलर्ट भी जारी किया है कि इस तरह की जो अगर जो हड़ताल की जाएगी तो इमरजेंसी जो सेवा है वो बाधित नहीं होगी। पर इस तरह से जो फरीदाबाद का जो सिविल अस्पताल है उसमें इस तरह से जो डॉक्टर का हड़ताल पे चला जाना वो कहीं ना कहीं लाजमी है। उसको लेकर मैडम जो है संगीता यादव, उन्होंने भी आप नाराजगी जताई है कि उनकी बिना नोटिस के और बिना बताए इस तरह से डॉक्टर को ले जाना वो भी गलत बात है। जी मनोज, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोजाबाद पुलिस टीम ने 2 अंतरजनपदीय चोरों को चोरी के 8 मोबाइल और भारी मात्रा में चोरी के आभूषण, चोरी करने के उपकरण और अवैध असलाह सहित गिरफ्तार किया है। SP सिटी सर्वेश कुमार मिश्र और CO सिटी कमलेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटना का खुलासा किया। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि वो दोनों बहुत सालों से चोरी करते थे।
कुल 8 जो है जो यहाँ पे नकबजनी घटनाएं घटित हुई थी थाना उत्तर लाइनपार और रसूलपुर में, उनका सफल अनावरण किया गया है और भारी मात्रा में इसमें ज्वेलरी तथा इसमें चोरी किए गए 8 मोबाइल, जियो की डिवाइस, 25,500 रुपये नगद तथा इनके पास से नाजायज असलहे की बरामदगी की गई है। टीम का यह कार्य निश्चित रूप से बहुत ही उत्कृष्ट एवं सराहनीय है, जिसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी कराया जाएगा। इन लोगों की जो मोडस अपरेंडाई थी वो ये थी कि ये बंद घरों को टारगेट करते थे, रात में ये रेकी करते थे, देखते थे जिन घरों में कोई है नहीं, ताला बंद है, फिर उसको पुनः फिर देर रात में भी करते थे। गाजियाबाद में जीटी रोड स्थित नाले में एक अज्ञात युवक का शव मिला था। पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम में खुलासा होते ही हत्या का मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच शुरू कर दी। इस घटना में शामिल व्यक्ति को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उसके पास से जले हुए कपड़े भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि मृतक युवक और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें आरोपी ने मृतक युवक के गर्दन और सिर पर कांच की बोतल से वार करके हत्या कर दी और हत्या करके वहां से फरार हो गया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जानकारी देते हुए ACP आलोक दुबे ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त पर पहले ही लूट और चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। सुबह थाना सियानी के क्षेत्र में ओपलैंड मॉल के पास GTA रोड स्थित नाले में एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद हुआ था। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो उसमें हत्या के संकेत मिले, जिस पर थाना सियानी गेट में सुसंगत थानों में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में उस व्यक्ति की पहचान इमरान के रूप में हुई, जो कि वली मोहम्मद का पुत्र है और मूलतः जो है भागलपुर बिहार का रहने वाला है और लगभग 30-35 वर्षों से विजयनगर थाना क्षेत्र की गौशाला के पास रहा करता था। हरदोई के मलावा में दबंग का सब्जी के ठेले वाले को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गाड़ी निकालने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। सब्जी वाले ने पुलिस को युवक के खिलाफ तहरीर देकर रिवॉल्वर दिखाने का आरोप लगाया है, साथ ही दोबारा दिखाने पर जान से मारने की धमकी देने का जिक्र किया। फिलहाल पुलिस वीडियो और तहरीर के आधार पर मामले की जाँच में जुट गई है। मेरा नाम शमशाद है, हम जो सवेरे ठेलियाँ लगा रहे थे सब्जी की, तो ये गाड़ी लेके निकले, पहले गाली गलौज दी ने, फिर उसके बाद उनका सानू जो है लड़का वो पिस्टल निकाल के बोला कि अब फिर लगाया तो मार देंगे गोली तुम्हें, हम धमकी दी ने कि दुकानदार से। कानपुर महानगर में कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई है। बता दें कि CRPF गुंडा एक्ट और वाहनों के चालान के मामले की सुनवाई रिजर्व पुलिस लाइन में सुनी जाती थी, लेकिन अब ऐसे मामलों की सुनवाई सर्किल क्षेत्र में होगी। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अधिवक्ताओं के साथ साथ वादी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसको लेकर बार एसोसिएशन और लायंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस ऑफ कमिश्नर BP जोर्डन से मिलकर इसको लागू ना करने की अपील की है। पदाधिकारियों ने कहा कि इससे वादकारियों पर बोझ बढ़ेगा, साथ ही मांग की गई कि कानपुर के समेत थानों के CRPF के मामले, गुंडा एक्ट और वाहनों के चालान के मामले पुलिस लाइन में ही सुने जाएं, जिससे वादाकारियों को कम पैसों में वकील उपलब्ध हो सके। की कोर्ट समस्त ACP महोदय के द्वारा ली जाए संचालित की जाएगी। इसी के संबंध में बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के सम्मानित अधिवक्तागण आज श्रीमान पुलिस साहब महोदय के समक्ष ज्ञापन लेकर आए थे कि इस संबंध में जो भी कार्रवाइयां हो, जो पूर्व नियोजित व्यवस्था थी कि पुलिस लाइन में जो कोर्ट बने हुए हैं उन्हीं में हो, और इसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया। थैंक यू। गत कुछ दिनों पहले माननीय कमिश्नर साहब ने जिला जोन वाइज जो है ये 116 CRPC के जो मामले थे उनको जोन वाइज निस्तारित करने के लिए आदेश दिया, उसमें हम लोगों ने माननीय से निवेदन किया तो उन्होंने निवेदन स्वीकार किया और पुनः पुलिस लाइन में ही सारे चालान होते रहे, जिससे कि वादकारी और अधिवक्ताओं को बहुत ही सुगमता थी। लेकिन पुनः कल फिर एक आदेश जारी हुआ है कि जोन वाइज ही 116/116 CRPC के जो चालान आते हैं पुलिस के द्वारा, वो संबंधित सभी जोनों में होंगे। यानी कानपुर नगर को 4 भागों में विभक्त किया, उसमें वादकारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, चूँकि अधिवक्ता की परेशानी तो कम। खबर शाहजहाँपुर से, जहां उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की तरफ से व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश गुप्ता व महानगर अध्यक्ष सचिन वाथम के संयुक्त नेतृत्व में व्यापारियों ने मोहम्मद अली मार्केट मंडी की साकेतिक रूप से दुकानें बंद कर स्टैंड ठेके के विरोध में नगर निगम का घेराव कर नगर आयुक्त संतोष
शर्मा के सामने विरोध जताया है, जिसके चलते जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि समय बदल चुका है और सरकार भी महानगरों में सौंदर्यीकरण पर ध्यान दे रही है। महानगर में जिस तरह से सेल्फी पॉइंट बने, उस तरह से बाजारों में खाली पड़ी जगहों पर सेल्फी पॉइंट बना दिए जाएं। व्यापारियों को काफ़ी समय से और समस्याएं हैं, उन समस्याओं की विषय में जानकारी कर चुकी है, तो अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द काम करेंगे। क्या मतलब समस्या खड़ी हो रही थी, किस बात को लेकर बात की गई है? वो रिक्शा स्टैंड पे तार लग गए हैं, एक तो ठेका नष्ट होना चाहिए, उसका ठेके को उनसे तो नहीं बनता। जो आदमी आएगा मार्केट में वो अपनी ग्राहक थोड़ा सुस्ताना चाहे बैठना चाहे तो कहाँ बैठेगा। अब रिक्शा स्टैंड खत्म होने के बाद ठेका उसका दे दिया जाए ये तो और भी गलत है। सहारनपुर में 1 फरवरी को गायब हुई महिला का शव 12 मार्च को मिला है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ में प्रेमी ने बताया कि मृतका 4 बच्चों की माँ थी और उस पर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी, जिसके चलते उसने प्रेमिका के दुपट्टे से ही उसका गला घोटकर हत्या कर दी और शव को सरसों के खेत में छिपा दिया। पास का ही एक मजरा है अत्यपुर, जो काशीपुर ग्राम का मजरा है, वहाँ से इस महिला एक जो जिसकी गुमशुदगी पूर्व में दर्ज थी उसकी शिनाख्त हुई। ये महिला का नाम प्रकाश में आया नेहा, और इससे परिवार वालों से संपर्क किया गया, उन्होंने इसकी शिनाख्त की गई और पुलिस के द्वारा फिर इनसे तहरीर प्राप्त की गई, और इसमें इसकी गहनता से जब जांच की गई तो पुलिस ने एक व्यक्ति है गुरुदयाल जो उसी गांव का है, जिससे इसके कुछ 4-5 साल से प्रसंग प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, आना जाना था, उससे इसकी लगातार बातचीत भी होती रही और उसी ने इस घटना का अंजाम दिया है। उसने पुलिस से पूछताछ मैं उसका अपना घटना का जुर्म भी स्वीकार किया है और पूरा घटनाक्रम बताया कि किस तरह से उसने चुन्नी। संभल में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला का घर में छत विच्छेद शव मिला, सूचना के बाद भारी भीड़ मौके पर उमड़ी, वहीं बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी। तो मेरे होश उड़ गए, कभी मैं फोन नहीं देखता हूँ, आज तो मरीज रहता हूँ, मैं उधर जाके पीछे गिर गया, सुबह तो ईंट गिर गई है, फिर आए लोग तो उन्होंने नहीं उठाया, नहीं पहुँचाया घर तक, पहुँचा आए बेचारे मोटरसाइकिल से। तो मैंने पल्ले हवेली में जो मेरे घर वाले मेरे परिवार वाले मैंने उनको इतना दी कि मेरी माँ का ऐसे ऐसे गला कटा हुआ है और आप लोग सब चलो। वाइफ ऑफ स्वर्गीय यूनुस निवासी सरारपुर कला का शव उनके घर पर मिला है। शव पर गले में कुछ निशान पाए गए हैं जो कि धारदार हथियार के हो सकते हैं, साथ ही उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की बताई जा रही है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है, शीघ्र ही इस प्रकरण में पीएम के पश्चात घटना के कारणों का पता लगाकर अग्रिम विधि कार्रवाई सूचित की जाएगी। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, एटीएम बदलकर पैसे निकालने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डुमरियागंज सीओ राणा महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बांसी का रहने वाला एक व्यक्ति डुमरियागंज थाना क्षेत्र पे बेवा में अपने एटीएम से पैसा निकालने गया था, वहीं उसके पीछे खड़े युवक ने व्यक्ति का एटीएम बदल दिया, जिसकी सूचना उसने डुमरियागंज पुलिस को दे दी। पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई है। एक व्यक्ति सुमई नाम का था जो बांसी का रहने वाला था, वो अपने एटीएम कार्ड से देवा चौराहे पर एटीएम से कुछ पैसा उतारने गया, उसी के पीछे एक राजकुमार शर्मा नाम व्यक्ति लग गया जो पीछे से उसका एटीएम बदल दिया। जब एटीएम बदल दिया पैसा नहीं निकला तो उस व्यक्ति जो सुमई नाम का व्यक्ति था उसने कहा कि चलिए यहाँ से नहीं निकलेगा, हम हल्लौर से पैसा उतार लेंगे। जब हल्लौर एटीएम से वो पैसा उतारने गया तो वहां पर वही राजकुमार शर्मा व्यक्ति उसके एटीएम से 35,000-34,500 रुपया उतार लिया था। जब तक ये पहुंचा तो ये पहचान लिया, पहचानने के बाद उसको पकड़ लिया। तब तक वहां हमारे दो सिपाही पहुंच गए, पहुंच करके मामला देखे तो उसके पास से 35 एटीएम और 34,500 रुपये मौके पर बरामद हुआ। गाजीपुर में सुहेल देश भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने विधानसभा जहूराबाद पहुंचे, जहां पर वो कई परिवारों से मिलने पहुंचे, जिसके बाद परिवार में कुछ दिनों पहले परिवार के सदस्यों की मौत हुई थी, उनके दरवाजे पर
पहुंच उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की, जिसका उन्होंने खुलकर जवाब दिया। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन माफियाओं की आड़ में निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई न हो। अभी जैसे एक चिट्ठी हमको मिली, सरकार ने एक कानून बनाया कि भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन गांव में रंजिश बस, गांव में प्रधानी के चुनाव को लेकर 3 गोल 4 गोल 5 गोल बनी, 1 गोल रंजिश बस जो गांव सभा की जमीन पर बसा है 50 साल 100 साल 80 साल, मतलब दशकों से बसे हुए लोगों के खिलाफ दरखास्त दे करके उनको उजाड़ने की बात हो रही है, और ये कह करके ये भू माफिया है। अब जो भूमिहीन है वो भू माफिया कैसे हो सकता है? तो भूमिहीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार को एक कानून बना देना चाहिए कि जो गरीब भूमिहीन जो जहां बसा है उसके नाम दर्ज करके उसके नाम कर दिया जाए। एक कानून पास होना चाहिए सरकार की तरफ से, और भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई सख्ती से हो। कुशीनगर में नवनिर्माण जिला अस्पताल का भूमि निरीक्षण करने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी पहुंचे। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी अधीक्षक उत्तर प्रदेश जिला अधिकारी कानून गो हल्का लेखपाल समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं निरीक्षक और मुख्यालय से दूरी तथा आवागमन को देखते हुए सड़क की चौड़ाई का विशेष ध्यान दिया गया। दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग मंत्री नरेंद्र कश्यप एक कार्यक्रम में मेरठ पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मेरठ के प्राइम टीवी ब्यूरो राजन सोनकर से एक्सक्लूसिव बातचीत में नरेंद्र कश्यप ने कहा कि योगी सरकार दिव्यांगजनों के लिए काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। योगी सरकार ने दिव्यांगजनों की पेंशन को 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर भी कहा कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को पहले से काफ़ी बेहतर बना दिया है। आज मेरे दौरे पर मंत्री नरेंद्र कश्यप पहुंचे हैं और हमारे साथ खास बातचीत के लिए नरेंद्र कश्यप, हम उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ कहना है। मंत्री जी, आप मेरठ आए हैं और दिव्यांग जनों के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2 विभागों का दायित्व मेरे पास है, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण। दिव्यांगजन विभाग के माध्यम से आज 289 दिव्यांगजनों को विभिन्न सामग्री के माध्यम से आज लाभान्वित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि भारत के दिव्यांगजनों के जीवन में उजियारा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के मनोभाव को पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीरता के साथ दिव्यांगजनों के हितों में अनेकों फैसले लेते रहते हैं। उसी क्रम में आज मेरठ में दिव्यांग जनों के साथ संपर्क हुआ, संवाद हुआ, विभाग के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं का वितरण किया। और वैसे भी पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं कि जब से योगी जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की सत्ता उत्तर प्रदेश की जनता ने सौंपी है, लगातार उत्तर प्रदेश के चाहे किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़े हो, चाहे दिव्यांग हो, सभी को आगे बढ़ने का मौका मिला है। पेंशन के रूप में जो 2017 के आसपास केवल 300 रुपए की पेंशन मिलती थी दिव्यांग जनों को, हमारी सरकार ने बढ़ा के उसको 1000 किया है। आने वाले समय में हम इसको और भी आगे बढ़ाने का विचार रखते हैं। दिव्यांग जनों की जीवन यात्रा सुगम हो, इसलिए मोटराइज ट्राइसाइकिल्स के लिए भी पिछले बजट में 32 करोड़ की व्यवस्था की गई थी, जिसके आधार पर हमने उत्तर प्रदेश में 8000 मोटराइज साइकिल बांट कर दिव्यांग जनों के रास्ते को आसान करने की कोशिश की। कुल मिलाकर दिव्यांग जनों की सेवा और सशक्त बनाना हमारा अभियान है, उसी अभियान की पूर्ति के लिए आज मेरठ में सरकार की कई योजनाओं से दिव्यांगजन अभी भी वंचित चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, प्रयास करते हैं लेकिन उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, इसके लिए प्रशासन और सरकार क्या कर रही है? मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं कि कहीं किसी दिव्यांगजन ने ये कहा हो कि जो सरकार से सुविधाएं मिल रही हैं वो हम तक नहीं पहुंची, ऐसी सूचना नहीं है। यदि कोई सूचना हमें मिलेगी, यकीनन हर दिव्यांग जन को उसके घर तक उसकी सुविधाएं पहुंचाएंगे। अच्छा, कई दिनों से मेरठ में अपराध बढ़ा है, जबकि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति की बात कर रही है और अपराध पर अंकुश लगाने की बात कर रही है, लेकिन लगातार अपराध मेरठ में बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे मंत्री जी? 2012 से 2017 5 साल का कालखंड उत्तर प्रदेश के लोगों ने झेला है, जिसमें श्री अखिलेश यादव जी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, उनके 5 साल में 700 से ज्यादा दंगे हुए। जब से योगी जी ने यानी 6 साल में उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान संभाली है, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होने दिया। करप्शन और क्राइम, इस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी योगी जी की है। पूरा प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है। अभी आपने देखा उमेश पाल की हत्या हुई थी, उस हत्या में अपराधियों के खिलाफ किस शक्ति के साथ हमारी प्रदेश की पुलिस और सरकार पेश आई है। यानी सरकार का सीधा सीधा सा निर्देश है कि अपराध किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपराधी चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हमारी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आईपीएस अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 10 लाख 20 लाख रुपए की रकम मांगी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार तो इस चीज के खिलाफ है बिल्कुल। मैंने बताया करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस, किस अधिकारी की वीडियो है, क्या मांग हुई है मैंने देखा नहीं है, देखूंगा तो उस पर प्रतिक्रिया दूंगा। तो ये थे हमारे साथ में मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिन्होंने बताया कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो हर लाभार्थी को मिलेगी। अपने प्रयागराज में तहसील परिसर में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि थाना प्रभारी सराय ममरेज ने के द्वारा लगातार अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा जा रहा है। संयुक्त मंत्री बलराम यादव ने बताया कि मेरे ऊपर सराय ममरेज पुलिस लगातार फर्जी मुकदमे लिखाने की साजिश रच रही है और पुलिस जबरदस्ती हमारा मान सम्मान खत्म कर रही है। अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील प्रशासन भी बेलगाम हो गया है, बिना पैसे का एक भी काम नहीं हो रहा है, जिसे तहसील प्रशासन के विरुद्ध अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। उस महिला को जो है पटक करके उसके साथ छेड़खानी किए और झूठा आरोप निराधार किए, जिससे हम लोगों ने अपने परिषद के अध्यक्ष को और मंत्री जी को बताया, जिससे वह महिला कल फेसबुक लाइव आकर के मेरे चरित्र के ऊपर, मेरे दामन के ऊपर दाग लगाया और मुझे चरित्रहीन साबित करने के लिए फेसबुक लाइव के माध्यम से और मेरे ऊपर छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत करने के लिए सुनियोजित तरीके से पुलिस के ऊपर दबाव बनाई है। उससे एक्शन मूड में आकर के यशो सराय ममरेज पूर्ण रूप से हमारे घर पे पुलिस भेज रहे हैं और हमको गिरफ्तार करके जेल भेजने की प्लानिंग कर चुके हैं और उसमें उनका बचाव पूर्ण रूप से उनका बचाव एसीपी हडिया सीओ साहब पूर्ण रूप से उनका बचाव कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आए दिन यशो सराय ममरेज वकीलों से सख्त नफरत करते हैं, मार मार करके पैसा वसूलते हैं और किसी काम को सिर्फ पैसे के बल पर करते हैं, चाहे समाज सेवी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे सम्मानित व्यक्ति हो, उनको दूर भगाते हैं और दलालों के माध्यम से थाना चलाते हैं। हम ये चाहते हैं कि कमिश्नर प्रयागराज को संज्ञान मिले और तत्काल प्रभाव से ऐसे भ्रष्ट अफसर को। अमरोहा में किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड पतई खालसा में डायरेक्टर पद के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन हुआ। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सहकारी समितियों में चेयरमैन पद के चुनाव से पूर्व डायरेक्टर पद पर चुनाव होता है, जिसके लिए बाकायदा नामांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरोहा जनपद में सभी सहकारी समिति परिसरों में नामांकन प्रक्रिया कराई गई। पूरे उत्तर प्रदेश में जो समितियों के चुनाव हो रहे हैं उसका नामांकन यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आपने भी कराया नामांकन? हाँ, मेरे पिताजी उम्मीदवार हैं, क्योंकि साहब इसमें डेलीगेशन बनने के लिए जमीन का नाम पे होना और वो जिला सहकारी बैंक का लेन देन करने वाला ही होना चाहिए, वही आदमी इसमें वोटर बन सकता है। हम चाहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, सब कुछ कर रही है तो सरकार का साथ दें, लेकिन हमारा सरकार से निवेदन है कि जो भी चुनाव जैसे भी हों वो सब निष्पक्ष और ईमानदारी से होने चाहिए। आज यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश अंदर 47 समितियों के चुनाव हो रहे हैं। आज 14 तारीख में जो हर 47 समिति पर 9 वार्ड होते हैं उनमें संचालक चुने जाते हैं, आज संचालक होता नामांकन। औरैया में 50 सैया मात्र शिशु सरकारी अस्पताल में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अस्पताल में उपस्थित मरीजों तीमानदारों समेत अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। बता दें कि गैस सिलेंडर के प्रयोग से अस्पताल में आग लगी थी। फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पाया गया। जनपद के विधुना 50 सैया अस्पताल का मामला है ये। वहाँ पर जो है ऑटो क्लेव कराना था इंस्ट्रूमेंट को, तो उसकी जगह जो है हमारा जो है पावर जो है बोर्ड है वो काम नहीं कर रहा था, तो गैस सिलेंडर का यूज़ किया और जो है जिस वजह से जो है सिलेंडर में आग लग गई। फिलहाल जो है कोई किसी तरह का कोई जो है वो नहीं है। बस
खबर संभल से है, जहां रमजान के मद्देनजर शासन और प्रशासन की सफाई, नियमित बिजली व पानी आपूर्ति की मांग की गई है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपने स्तर पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं इस सिलसिले में मंगलवार को शहर के प्रमुख मुस्लिमों की प्रतिनिधि मंडल ने SDM कार्यालय पहुंचकर लिखित ज्ञापन दिया और बिजली, सफाई व पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। रमजान मुबारक का पवित्र महीना आ रहा है, 22 मार्च से शुरू है, उसके लिए हमने पानी, बिजली और सफाई की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए SDM साहब को ज्ञापन दिया है कि क्योंकि हर साल ऐसा होता रहा है कि रमज़ान में सारी चीज़ें सही रखी जाती हैं, तो इस बार भी रमज़ान की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों का इंतजाम किया। अम्बेडकर नगर के मालीपुर थाना के अंतर्गत खानपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर रिश्तेदारों में कहासुनी हो गई, जिसके चलते चाचा ने अपने भतीजे को राड और लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालात नाजुक होने पर के चलते डॉक्टरों ने लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। वहीं अस्पताल ले जाते समय घायल युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव गांव पहुंचा, जहां परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि परिजनों ने चौराहे पर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। जाम की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय और अपर जिला अधिकारी सदानंद गुप्ता पहुंचे और मृतक के परिजनों को समझाने बुझाने के बाद प्रदर्शन खत्म करवाया। साथ ही पुलिस विभाग आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना है। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।